देहरादून स्थित इंडियन मिलिट्री एकेडमी का एक कैडेट जिसे भारतीय सेना ने प्रशिक्षण दिया, फौजी अधिकारी बनाया, वो इस समय तालिबान के सात प्रमुख नेताओं में एक है। वो इस समय तालिबान के उस सात चेहरों में शामिल है जो तालिबान की पूरी व्यवस्था को चला रहे हैं, जो तालिबान में सबसे ताकतवर हैं। उन सात लोगों में एक फौजी है, एक फौज का वो अधिकारी है जिसे भारत के मिलिट्री एकेडमी में प्रशिक्षण मिला था, जो देहरादून में लंबे समय तक रहा, कई सालों तक रहा, पवित्र गंगा में डुबकी भी लगाई थी, जो हिंदू रीति रिवाजों का भी सम्मान करता था, जो भारत में हिंदी बोलना जिसने सीखा, उर्दू बोलना सीखा, अंग्रेजी जिसने सीखी, भारत में शिक्षा ग्रहण की, मिलिट्री की ट्रेनिंग की, वो शख्स आज कैसे तालिबान के उन सात टॉप लीडर्स में शामिल हो गया है जो अफ़गानिस्तान समेत दुनिया के बहुत से इलाकों में ऑपरेट कर रहे हैं और पूरे अफ़गानिस्तान पर कब्ज़ा कर चुके हैं, पाकिस्तान पर भी उनका काफ़ी दबाव है। हम बात कर रहे हैं उस शख्स की जो 1980 के दशक में भारत में मिलिट्री की ट्रेनिंग ले रहा था, जिसे वहाँ पर अफ़गानिस्तान की सरकार ने अपने सैनिक कैडेट के रूप में भारत सरकार से गुजारिश करके इंडियन मिलिट्री एकेडमी में ट्रेनिंग के लिए भेजा था। हम बात कर रहे हैं शेर मोहम्मद की। जी हाँ, इनका पूरा नाम है शेर मोहम्मद अब्बास इस्तानिकजाई। शेर मोहम्मद अब्बास इस्तानिकजाई ये 1980 के दशक में भारत आए थे और यहाँ पर इन्होंने आर्मी ऑफिसर की पूरी ट्रेनिंग ली। हथियार चलाना इन्हें भारतीय अधिकारियों ने सिखाया, भारत के सेना के अधिकारियों ने इन्हें हिंदी बोलना सिखाया, इन्हें इंडियन कल्चर से इनका परिचय कराया और उसके बाद जब ये वापस अपनी ट्रेनिंग पूरी करके वापस अफ़गान आर्मी की सेवा करने के लिए अफ़गानिस्तान गए, तो उस समय जब वहाँ पर सोवियत रूस से संघर्ष हो रहा था, सोवियत रूस के संघर्षों की वजह से पूरे अफ़गानिस्तान में तबाही मची हुई थी, गृह युद्ध वहाँ पर छिड़ा हुआ था, नॉर्दर्न अलायंस और तमाम दूसरे संगठन, तमाम कट्टरपंथी संगठन वहाँ पर सिर उठा रहे थे, माहौल ख़राब हो गया था, तो शेर मोहम्मद अपने परिवार के साथ पाकिस्तान चला गया था। शेर मोहम्मद ने भारत में अच्छी ट्रेनिंग हासिल की थी, वो अंग्रेजी और हिंदी बोलना भी जानते थे, वो उर्दू में भी बोलना जानते थे। इस स्किल की वजह से, स्पेशल स्किल की वजह से उनकी संवाद क्षमताएं, उनकी कम्युनिकेशन स्किल जो है वो बहुत अच्छी थी और पाकिस्तान जाने के बाद वो ISI से जुड़ गए। ISI से जुड़ने के बाद उनका एक अलग व्यक्तित्व सामने आया और ISI अफगान मामलों में उनकी मदद लेने लगी। उसके बाद जब सोवियत रूस अफ़गानिस्तान से वापस चला गया तो शेर मोहम्मद एक बार फिर वापस आया और अफ़गान फोर्सेस के उन लोगों से उसका संबंध हुआ जो तालिबान से जुड़ गए थे और शेर मोहम्मद भी तालिबान से जुड़ गया। तालिबान ने जब उसकी क्षमताओं को देखा, उसकी मिलिट्री ट्रेनिंग को देखा, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स को देखा तो तालिबान के लोग उससे बहुत प्रभावित हो गए और शेर मोहम्मद की क्षमताओं को देखते हुए भारत में मिले उसकी ट्रेनिंग को तालिबानियों ने बहुत गंभीरता से लिया और तालिबानियों ने उन्हें अपने इंटरनेशनल कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट का चीफ बना दिया। तालिबान के लोग दुनिया के अलग अलग देशों से जब वार्ता करते हैं तो उस वार्ता में शेर मोहम्मद की बड़ी भूमिका होती है। शेर मोहम्मद को शेरू नाम भारत में ही दिया गया, भारत में ही उसे शेरू या शेर मोहम्मद कहा जाता था क्योंकि वो बहुत ही बहादुरी से अपनी ट्रेनिंग को अंजाम दे रहा था, काफ़ी अच्छी उनकी हेल्थ भी थी और इसलिए भारतीय अधिकारियों ने ही शेरू उपनाम कह के उन्हें पुकारना शुरू किया था और शेरू नाम उनके साथ वापस अफ़गानिस्तान भी गया, पाकिस्तान भी गया। और हम आपको बता दें कि कतर में, कतर के दोहा शहर में जो तालिबान का एक इंटरनेशनल ऑफिस है वहाँ पर, जहाँ पर वो अक्सर मीटिंगें करते हैं और दुनिया के तमाम देशों से जब वो वार्ता करते हैं तो वो कतर में दोहा में ही करते हैं, तो दोहा में जो तालिबान का ऑफिस है उस ऑफिस का इंचार्ज शेर मोहम्मद शेरू ही है। तो शेर मोहम्मद शेरू की जो कहानी हमने आपको बताई, किस तरह से भारत में उसने ट्रेनिंग ली, देहरादून में कई सालों तक रहा वो इंडियन मिलिट्री एकेडमी में और उसके बाद परिस्थितियाँ ऐसी बनी कि वो पहले तो अपनी नौकरी छोड़कर पाकिस्तान चला जाता है, पाकिस्तान में वो ISI के संपर्क में आता है और फिर ISI के ज़रिए उसे वापस अफ़गानिस्तान से कॉन्टैक्ट करने के लिए भेजा जाता है और फिर ISI के ज़रिए उसे वापस तालिबान से कॉन्टैक्ट करने के लिए भेजा जाता है और जब वो वापस तालिबान के संपर्क में आता है तो तालिबान
उसकी काबिलियत को देखते हुए उसे अपने टॉप 7 टीम जो उनकी है, जो सबसे टॉप लीडरशिप है तालिबान की, जिसमें सिर्फ 7 लोग हैं जो सारी इंपॉर्टेंट बैठकों में, सारे महत्वपूर्ण फैसलों में शामिल होते हैं, उन टॉप 7 लोगों की टीम में शेर मोहम्मद भी शामिल है। वो शेर मोहम्मद जो भारतीय मिलिट्री एकेडमी का एक होनहार कैडेट था, जिसने हरिद्वार में गंगा जी में डुबकी लगाई थी, जो हिंदू रीति रिवाजों का भी सम्मान करता था, कैसे वो इतना कट्टर बन गया, कैसे वो इतना बड़ा एक आतंकी संगठन के टॉप लीडर्स में शामिल हो गया, ये एक सोचने वाली बात है।